हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह सुबह अभी तक मैंने नहाया भी नहीं और जस्ट मैंने बेड को ठीक किया है और सुमन अभी ऑफिस गया है, जल्दी चला गया क्योंकि घर में कुछ भी सब्जी नहीं है। तो मैंने बोला तुम कुछ किसी के हाथ में सब्जी भेज देना, तो ऐसा होता है वो किसी के हाथ में सब्जी वगैरह सब भेज देता है, इसलिए जल्दी निकल गया आज ऑफिस। पराठा और आलू फ्राई और चाय खा के, चाय पी के तो सुबह सुबह निकल गया। अभी तो खाना क्या बनाऊँ, कुछ भी नहीं है सब्जी, तो इसलिए मैंने बोला कुछ अच्छा सा सब्जी लेके आओ और फिश लेके आओ, फिश खाएंगे आज। तो आज मैं फिश बनाऊंगी, तो पहले मैं नहा लूँ उसके बाद मैं बातें करूंगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। तो नहाने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में लंच बनाने, लंच की तैयारी करने। तो सुमन ने ये फिश का जो एग होता है वो भेजा है और इधर फिश भी भेजा है। ये क्या फिश है मुझे पता नहीं, तो मैंने नमक और हल्दी से मैरिनेट करके रख दिया है और इसको मैंने अनियन दे दिया है। इसको मैं बनाऊंगी अभी पकोड़ा और मैं आज आलू नहीं दूंगी, पपीता से ही ये फिश बनाऊंगी। टमाटर, अनियन और ये सब मसाला मैंने अभी पीसूंगी। तो सबसे पहले ऑयल गर्म हो जाए, इसके बाद मैं पकौड़ा सबसे पहले बना लूंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी फिश करी जो पतला सा होगा एक नॉर्मल सा। तो ऑयल अभी गर्म हो चुका है तो मैं छोटा छोटा करके फिश पकौड़ा कर लूंगी। मेरा बहुत पहले हो गया है, मैं थोड़ा सा बैठ के एडिट कर रही थी आज का जो वीडियो गया, तो मैं वही पब्लिश कर रही थी अभी। तो अभी एक घंटे बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप लोगों को क्या बताऊँ, आज मैंने कैसे करके फिश करी बनाया। टमाटर, अनियन, पपीता ये सब देने के बाद तो मसाला देना होता है ना, जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो देना होता है। तो मैंने क्या किया, वो नहीं दे के मैंने दे दिया उसमें ढेर सारा पानी। तो बाद में देखा तो मसाला तो रखा ही हुआ है, तो मैं ये तो नहीं दिया, तो मैं फिर क्या करूँ। फिर से मुझे वो जो सब ग्रेवी था वो मैंने बर्तन में अलग करके रख दिया और फिर मैंने मसाला को फ्राई किया और फिर मैं वो ग्रेवी उसमें दे दिया। हो गया सब ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पता नहीं खाने में कैसा होगा, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। तो ऐसा बीच बीच में हो जाता है मुझे पता है। मेरा आज मन कहाँ था मुझे पता नहीं, दिमाग और मन कहीं और ही था मेरा, इसलिए ये गड़बड़ी हो गया। कोई बात नहीं, छोटा छोटा ऐसा बात होते रहता है। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जो मेरा जल गया था ना वो ऐसा हो गया, अभी ठीक है थोड़ा सा। अभी ठीक हो गया है, तो ये सब होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी चलिए मैं लंच कर लूँ, लंच के बाद मैं शाम को आप लोगों के साथ मिलूंगी। तो अभी चलिए लंच कर लूँ, भूख लगी है। मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा हुआ है फिश करी। तो लंच के बाद एकदम मैं मिल रही हूँ डिनर की तैयारी के साथ। अभी मैं इधर कुकर में चढ़ाया है पपीता और आलू बॉईल करने के लिए, और बरबटी को मैंने ऐसे करके काट लिया है, बरबटी की सब्जी बनाऊंगी। और टमाटर इधर और अदरक लहसुन, टमाटर का पेस्ट है ये सुबह का। और कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, कढ़ाई में दूंगी ऑयल। सबसे पहले मैं बरबटी को ना थोड़ा सा ऑयल फ्राई कर लूँगी। तो इधर मैंने बरबटी को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी ताकि जो रॉ स्मेल आता है वो चला जाए। तो आप लोग भी ऐसे करके फ्राई करते हो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फ्राई करने से ना जो एक कच्चा स्मेल आता है बरबटी से तो वो चला जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ। पता नहीं ये अच्छा होता है या नहीं, मैं बहुत ही कम बनाती हूँ ये सब सब्जी। तो ये तो फ्राई हो गया है, अब मैं थोड़ा सा और ऑयल दूंगी इसमें। बस इतना सा ही हो जाएगा और अभी मैं दे दूंगी इसमें थोड़ा सा जीरा और ये 5 फोड़न और इसके साथ साथ मैं दे दूंगी अनियन और खीरा, मैंने 2 हरी मिर्च लिया है। इसको भी मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। तो अनियन गोल्डन ब्राउन हो गया है, अभी मैं इसमें दे दूंगी ये सारा मसाला और आलू और पपीता को थोड़ा सा मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने से क्या होता है, सब्जी थोड़ा सा ठीक होता है, मतलब मोटा मोटा सा होता है तो वो अच्छा लगता है खाने में। इसलिए मैं हर बार जब भी सब्जी बनाती हूँ तो आलू को बॉईल कर लेती हूँ। तो इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी 5 मिनट तक। अदरक लहसुन ज़्यादा नहीं है इसलिए मुझे ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा। तो इसके साथ साथ मैंने दे दिया है टमाटर और टमाटर गलाने के लिए मैं दे दूंगी नमक और इधर मैं हल्दी भी दे दूंगी। ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब मैं इसमें दे दूंगी आलू और पपीता और इसके साथ साथ ये बरबटी भी दे दूंगी। तो ये सिंपल सा एकदम आसानी से बन जाता है और इस गर्मी में भी ये बहुत अच्छा होता है खाने में। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी दूंगी। एकदम सूखा सूखा ही करूंगी, मतलब मैं कोई ग्रेवी नहीं रखूंगी इसमें, पर थोड़ा सा बॉईल हो जाए इसलिए पानी दिया। तो ये सब्जी तो तैयार हो चुका है, अभी मैं गैस कर दूंगी ऑफ और इसको मैं निकाल लूंगी बोल में। तो 4 लोगों के लिए ये बहुत है। बाहर का वेदर जो है ना बहुत ठंडा सा हो गया है, तो मैंने सोचा कि पास्ता बना लूँ। तो मैं अगर किचन में जाओ पास्ता बनाने ना तो पूरा पसीना पसीना हो जाऊँगी। और मैंने दो बार नहा लिया है ऑलरेडी, तो और मैं नहीं नहाना चाहती, तो इसलिए मैं किचन में और नहीं जाऊँगी। तो मैंने लेके आई हूँ अभी, ये है चीरा और ये है मूढ़ी। ये मूढ़ी छोटा छोटा चावल जो होता है ना उसको फ्राई करके ये टर्मरिक दे के ये फ्राई होता है, आप लोगों को पता होगा। और ये सिर्फ चूड़ा फ्राई है, तो ये भी मैं खाऊंगी पास्ता। और मन था पास्ता खाने का पर और नहीं खाऊंगी अभी। ये जो चीरा है ना इसमें ना थोड़ा सा मीठा मीठा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है खाने में, थोड़ा सा स्वीट जो होता है ना वो है।
तो आज सुबह से शाम तक मैंने अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो कल मिलेंगे कोई अच्छा सा रेसिपी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।